आप देख रहे हैं आवाम की आवाज और आज हम आपको ले चलेंगे मिनी स्विट्जरलैंड में। एक वक्त वो था जब सवात और उसके मुल्हिका इलाकों में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बहुत बड़ी तादाद इस पुरफिजा मकाम की खूबसूरती, यहाँ की झीलें और आबशार, दरिया के तेज बहाव में ट्राउट मछली के शिकार, यहाँ की मखसूस गजा और रिहायशियों के दिलों में पाई जाने वाली मोहब्बत का लुत्फ उठाने जमा रहती थी। मगरबी ममालिक के सयाहों का दावा था कि अगर हुकूमत इस इलाके में मुनासिब सहूलियात फराहम करे तो सवात को स्विट्जरलैंड से ज्यादा मकबूलियत हासिल हो सकती है। सवात के हुस्न को शायद उस वक्त किसी की नजर लग गई जब दहशत गर्दों की बर्बरियत का आगाज हुआ। रोशन दिमाग खवातीन और मर्दों पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए गए। खवातीन को सरेआम कोड़े मारना, मर्दों के सर काट कर फुटबॉल खेलना तकरीबन रोजाना का मामूल बन गया। सरकारी इमारतों को आग लगाई गई, स्कूलों को बम का निशाना बनाया जाता रहा, लोगों की जिंदगी को अजाब में डाल दिया गया। जंगल का कानून राइज हो चुका था, लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। हुकूमत ये सब कब तक बर्दाश्त करती? आखिरकार फौजी कार्रवाई अमल में आई। दहशत पसंदों और शिद्दत पसंदी के हामियों को मुंह की खानी पड़ी और सवाद अल्हम्दुलिल्लाह इन मलूनों के चुंगल से आजाद हो गया। बच्चों और बच्चियों की तालीम का सिलसिला फिर शुरू हो गया। स्कूल की इमारतों की मुरम्मत हुई और क्लासरूम्स की रौनकों को तालिबे इल्मों ने फिर से बहाल कर दिया। बच्चियों की तालीम हासिल करने में पाकिस्तान में सवात की रहने वाली 16 साल की बच्ची नोबेल प्राइज हासिल करने वाली मलाला यूसुफजई ने बहुत नुमाया किरदार अदा किया। वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक एंड वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। सवाती बाशिंदों के अज़्म, जवां हिम्मती और दलेरी के साथ साथ सवात की खुशहाली वापस लाने में मलाला यूसुफजई का बहुत बड़ा हाथ है। सैदू शरीफ यानी सवात का फासला 263 किलोमीटर है, जिसे सयाह पब्लिक बसों या जाती गाड़ियों के जरिए तय करते हैं। ये फासला तकरीबन 5 घंटे में पूरा होता है। इसके अलावा मिंगोरा को इस्लामाबाद और पेशावर से हवाई सफर की भी सहूलत मौजूद है। पेशावर से निकलने के बाद सवात की जानिब हमारा सफर 5 घंटे तक जारी रहेगा। इससे पहले कि हम सवात के लिए अपना सफर शुरू करें, हम पेशावर के ब्यूरो चीफ तारिक आफाक साहब से इस खत्ते के बारे में थोड़ी सी मालूमात लेते हैं। हम पेशावर आए और पेशावर से हमें इंटीरियर की तरफ ट्रैवल करना था। नॉर्दर्न एरियाज जाना इतना आसान काम नहीं होता। पहले ही बात तो ये थी कि हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन अब थोड़े हालात नॉर्मल हुए हैं, तो इस हवाले से हम जाएंगे, जानेंगे, ख़ुद देखेंगे उन जगहों को। और हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर के ब्यूरो चीफ तारिक आफाक साहब, और इनसे हम थोड़ी सी डिटेल लेंगे क्योंकि काफ़ी अरसे से यहीं पे हैं और ये तमाम सिनेरियो को देखते चले आ रहे हैं। हमारे लिए ये नई जगह है लेकिन इनके लिए नहीं है, तो आजकल क्या हालात हैं इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, अभी जिस जगह हम खड़े हैं ये कौन सी जगह है? ये बिल्कुल संगम पेशावर ज़िला, जो पेशावर का ज़िला है और चरसदा, अच्छा, उसका बिल्कुल संगम है। और ये पीछे अगर आप देख लें अगर मैं आपको जो इलाके नज़र आ रहे हैं तो ये बिल्कुल है मोमन एजेंसी। मोमन एजेंसी तो बहुत खतरनाक नाम आपने ले लिया। यकीनन खतरनाक नाम था किसी वक्त में।
लेकिन अब चूंकि वहाँ पे वो जो दहशत गर्दी थी, वो मिलिटेंसी थी, वो खत्म हो गई है, काफी हद तक उस पर काबू पा लिया गया है। अच्छा, आप तो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, हमें तो डर लग रहा है आगे जाते हुए। डर लग रहा है नहीं, अब तो आपको खुश होना चाहिए। देखें, वो डर का जमाना तो गुजर गया था। डर का जमाना तो वो था कि जब वहाँ पे तालिबान का गलगला था, तालिबान की हुक्मरानी थी और वो जो ना वहाँ पे काबिज थे। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ की बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं जिनको देख के इंसान को बहुत खुशी होती है और यकीन नहीं आता क्या ये पाकिस्तान ही है। तो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो यहाँ से जाता है लोगों को, वो जाना चाहिए क्योंकि अब हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। तो अभी हम आपको ले चलेंगे बटखेला के रास्ते मालाकंड, और मालाकंड से हम आपको लेके चलेंगे सवात। आइए हमारे साथ। तकरीबन 5 घंटों की मसाफत के बाद आखिरकार हमने सवात की खुशगवार मौसम में सांस ली। मैंगोरा सवात की गलियों में हम घूम रहे हैं बड़ी आज़ादी के साथ और बड़े अच्छे माहौल में घूम रहे हैं। पहले ऐसा माहौल नहीं था, पहले हालात ख़राब थे और बहुत मुश्किल से यहाँ पे कवरेज की जाती थी। मार्च 1926 में हुकूमत इंग्लैंड ने बादशाह साहब मियां गुल अब्दुल वदूद को वाली सवात तस्लीम किया। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद रियासत सवात का पाकिस्तान से इल्हाक कर दिया गया। पाकिस्तानी रियासतों के मरकज पाकिस्तान से इल्हाक के सिलसिले में रियासत सवात को अव्वलियत का फखर हासिल रहा। समा के रिपोर्टर शहाबुद्दीन से हमने माजी में सवात में बादशाहत और अब के हालात के मुतालिक मालूमात हासिल की। हमारे यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे बात करते हैं, इनका यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा है। 1969 से कबल जब यहाँ पे ये स्वात जो था, ये रियासत थी, तो यहाँ पे जो स्वात के हुक्मरान थे वो यहाँ बैठा करते थे। यहाँ पे जरगा हाल भी था इनका। अच्छा। और यहाँ पे लोगों के मसाइल भी सुने जाते थे और लोग यहाँ आते थे, बाकायदा उनके साथ मिलते भी थे। अच्छा, तो मसले मसाइल का जो हल निकाला जाता था तो वो किस कानून के तहत निकाला जाता था? यहाँ पे अपने कानून होते थे क्या? जो रियासत के दौर में यहाँ पे बिल्कुल जो है इस्लामी निज़ाम नाफिज था। जब कहीं पर चोरी हुआ करती थी तो उस वक्त के जो हुक्मरान थे वाली स्वात, उनका ये दस्तूर था कि पूरे गांव को जो है वो कहते थे कि भाई मुझे चोर दो, अगर आप चोर नहीं देंगे तो मैं पूरे गांव को जो है पकड़ लूंगा। यहाँ पे एक बादशाह साहब हुआ करता था, उनका नाम था मियां गुल अब्दुल वदूद, लेकिन जो था वो बादशाह थे यहाँ के, तो उनको बादशाह साहब कहते थे। और उनके जो बेटे थे मियां गुल अब्दुल हक जान, उनको नॉमिनेट किया था यहाँ के मशरान ने, नहीं यहाँ के मशरान बैठे थे और उन्होंने स्वात के लिए उनको जो है अपना बादशाह मुकर्रर किया था कि आप जो है यहाँ के बादशाह होंगे। अच्छा, तो ये सिस्टम कैसे खत्म हो गया अचानक? ये 1969 में इस तरह हुआ कि यहाँ पे जो है कुछ लोगों ने ये सोचा कि हमें पाकिस्तान से मिलना चाहिए। अच्छा। और फिर जो है स्वात को जो है ये फिर मदगम किया गया और इसको जो है डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया। लेकिन ये बदकिस्मत ये है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने स्वात को न तरक्की दी है और न यहाँ पे लोगों के मसाइल हल किए। अच्छा, उस वक्त टूरिस्ट यहाँ आते थे? स्वात की तारीख ये है कि ये बुद्ध मत दौर का बहुत बड़ा शहर रहा है। जो 1000 साल कबल जब महमूद गजनी भी आए थे तो उन्होंने फिर जो है यहाँ पे इस्लाम का आलम बुलंद किया था। पहले यहाँ पे बुद्ध मत के टूरिस्ट आया करते थे और यहाँ पे अब भी जो है हजारों की तादाद में उनके आसार मौजूद है। इंगोरा से मरगजार तकरीबन 15 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल जो इंफ्रास्ट्रक्चर की है वो ये है कि रोड बहुत टूटी फूटी है। जो सफ़र हमें तकरीबन 20-25 मिनट में तय करना चाहिए वो उसके लिए लग जाते हैं तकरीबन 1 घंटा। और अभी इतनी खूबसूरत जगह है, टूरिस्ट के लिए एक बहुत प्यारी अट्रैक्शन है, क्योंकि आगे जाके मरगजार में वाइट पैलेस भी है। लोग सफ़र करके तवील वाइट पैलेस को देखने जाते हैं। तो इस तरफ गवर्नमेंट का ध्यान होना चाहिए कि डेवलपमेंट के लिए जो ये बजट मख्तस करते हैं तो अच्छी जगहों पर भी लगा दिया करें ताकि नजर आए, थोड़ा सा रेवेन्यू हमारी गवर्नमेंट भी जनरेट कर ले इसके थ्रू, लेकिन नहीं होता और आलम आप देख रहे हैं कि क्या है। सवात कौमी जरगे के जो हैं मेंबर रहे हैं जाहिद अलाज खान साहब के साथ, और उनसे पूछेंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, और होटल मैनेजमेंट के सदर भी रह चुके हैं तो उस हवाले से भी थोड़ा सा उनसे तफसीलात लेंगे। सफ़ेद महल यानी वाइट पैलेस को वाली सवात की रिहाइश गाह होने का शर्फ पाकिस्तान बनने से पहले हासिल है, जो आज तक जारी है। यहाँ सयाहों की रिहाइश के लिए 30 कमरों पर मुश्तमिल एक टूरिस्ट रिजॉर्ट भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके।
और बहुत माफ़ी चाहते हैं कि आपको इतनी तकलीफ दी, इतना दूर बुलाया, जबकि आपको तो इतनी जान का खतरा है। खतरा तो रहता है लेकिन आपके इज्जत तरक्की थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि कब आप पे ये हमला हुआ था? 3 अगस्त 2012 को रात एशिया की नमाज के लिए जाते हुए टारगेट किया गया मुझे। अच्छा, तो आपको कहाँ गोलियाँ लगी थी? गोली मुझे सर के पीछे से लगी और आगे नाक के दरमियान से निकल गई। बस अल्लाह का करम है, उसकी दीने मारने वाले से बचाने वाले बहुत तो बड़ा। कौन थे लोग, कौन दहशतगर्द थे? बस तालिबान ने उनकी जिम्मेदारी कबूल की। हमने तो अमन के लिए काम किया, जो स्लॉटरिंग करते थे लोगों के घरों को उड़ाते थे उनके हमने मुखालिफत की। अच्छा, क्योंकि इनका असर हमारे टूरिज्म पे पड़ रहा था। सही बात है। सवाद कौमी जरगे के आप मेंबर रहे हैं, तो उनके मेंबर्स ने यहाँ पे अमन के लिए बहुत कोशिशें की हैं। बिल्कुल, हमारी फोर्सेस के साथ भी मिलकर आपने बड़े काम किए। जी हाँ, फोर्सेस के साथ भी हमने मिलकर काम किए हैं। यहाँ पे होटल जो पहले जब मैं आया दोबारा तो होटल खोलने के खुलाई हमने, फिर बाजार हमने मार्केट खोल दिए। और मेरी एक तजवीज़ पर उन्होंने कर्फ्यू, जो दिन रात कर्फ्यू लगता था उसको रिलैक्सेशन किया। अच्छा अच्छा, अभी मुझे बताएं कि आपने टूरिस्ट की बात की, टूरिज्म की बात की, तो अभी मुझे यहाँ रश नहीं नज़र आ रहा टूरिस्ट का, जबकि इतनी खूबसूरत जगह है। ये वाइट पैलेस है, इसकी खसूसियात आप मुझे बताएंगे? ये वाली स्वाद के दौर का उसका सरमाई महल था यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे आता था और यहाँ पे अपनी जो गर्मियों के औकात थे वो यहाँ गुजारते थे। उन्नीस सौ 80 से लेकर 1990 तक बहुत रश होता था यहाँ पे, क्योंकि उस वक्त हमारी रियासत जो सड़कें थी वो उनकी कंडीशन भी अच्छी थी और लोग आना चाहते थे, अमन था। अच्छा, तो यहाँ की ख़ास बात क्या है इस जगह की, कि इसके अलावा यहाँ की कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें? लोग तो ज़्यादातर लोग तो वाइट पैलेस इसको देखने आती हैं कि ये एक तारीखी जगह है, क्योंकि जो मार्बल लगी है ये आगरा से आए हैं, हिंदुस्तान से आए हैं। यानी ये ताजमहल, ताजमहल में जो संगमरमर इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। जब हालात ख़राब थे यहाँ पे, बड़ा दहशतगर्दों का इन्फ्लुएंस था, तब यहाँ पे ये कारोबार सही चलते थे? 2007 से लेकर 2010 तक तो मुकम्मल तौर पर यहाँ पे कारोबार ख़त्म हो गया था। अच्छा, एक तो मिलिटेंसी ने तबाह किया, फिर सैलाब ने तबाह किया, तो लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी ये कारोबार दोबारा संभाली है और उनको अभी चलाने के काबिल बनाई है। सही, तो इनकी इस इंसर्जेंसी और इस सारी सूरतेहाल में हुकूमत ने कारोबारी लोगों के साथ किसी किस्म का कोई तआवुन नहीं किया। अच्छा, कोई रिलीफ नहीं दी, ताकि इवन बैंक हमें कर्जे भी नहीं देते। क्यों कारोबार के लिए कर्जे क्यों नहीं देते? पंजाब में तो बड़ा अच्छा सिस्टम है। नहीं, स्वात में स्वात को डी वैल्यू की गई यहाँ की जायदाद को। अगर आप स्वात की पूरी अगर ये मरगुजार पैलेस आप मान पर रखिए तो आपको बैंक कर्जा नहीं देगी। यही ज्यादती है हमारे साथ। अब तो बैंक के कर्जे पर कोई कारोबार कर भी नहीं सकता, लेकिन अगर कोई करना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई होटल बनाना चाहता है, तो उसके लिए स्टेट बैंक की हिदायत है कि स्वात की प्रॉपर्टी पर कर्जा ना दे। अच्छा हाजी साहब, यहाँ पे एक और ख़ास बात आप बता रहे थे पहाड़ी के ऊपर, क्या है तख्त, क्या है वो? ये इसके पीछे जो पहाड़ है इसको इलम पहाड़ कहती हैं। इसके ऊपर एक तख्त है जिसको राम तख्त कहती हैं और हमारे यहाँ लोग उसको जो ज्ञानो सर कहते हैं। तो वहाँ पे रामचंद्र जी और सीता ने अपनी बिनवास यहाँ पे गुजारी थी। तो ये हिंदू, अच्छा यानी जब अकेले हो जाते हैं दुनिया जंगल की जिंदगी जिसको कहते हैं, तो एक इबादत होती है उनकी और मजहब भी उसका पेशवा था। राम और सीता यहाँ आ चुके हैं, आ चुके यहाँ। तो ये इलाका हिंदू मजहब के लिए एक दिखाई मुकद्दस मुकाम है। यहाँ पे हिंदू टूरिस्ट भी आते होंगे? आते हैं, आप मेला भी यहाँ भी मुनाकिद करती हैं वहाँ पहाड़ी के ऊपर और अपने यहाँ पे जो इबादत है वो भी गुजारती हैं। तो हमारे लोग रोशन ख्याल हैं, उनके साथ कोऑपरेशन भी करती हैं, उनको यहाँ पे सहूलियात भी देती हैं, उनको अपने घरों में भी ठहराती हैं। टूरिस्ट के लिए कोई खतरा नहीं, आम लोगों के लिए लोग आए आना चाहिए, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि सहूलत दे। आपने रोड देखा, अगर इस तरह की रोड हो तो लोग नहीं आएंगे। सवाद की दस्तकारी और कशीदा कारी को पाकिस्तान और कुर्बोजवार के इलाके में बहुत मकबूलियत हासिल है। खवातीन के लिबास, शॉल, कंबल, चादरें, तकिए के गिलाफ, मेज पोश और रुमाल वगैरह में खालिस चांदी के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं।
यहाँ की शॉल्स काफ़ी मशहूर हैं, मर्दाना भी जनाना भी यहीं पे खड्डियों पे वो बनाई जाती हैं, और ये हैंडवर्क करके भी, ये कढ़ाई करके ये शर्ट्स वगैरह बनाई जाती हैं। तो ये कितना प्यारा हैंडवर्क है, कितना खूबसूरत है, अगर ये पूरे शहर में जाए और तो यहाँ के लोगों की कितनी अच्छी इमदाद हो सकती है, मदद हो सकती है, रोज़गार का ज़रिया बन सकती है। लेकिन होता यही है कि जो बेचारे मेहनत करते हैं, मजदूरियाँ करते हैं, उनको तो इतनी रोज़ी मिलती नहीं है, और शहरों में जाके जो बड़े व्यापारी होते हैं उनको इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा होता है, बड़ा बिजनेस होता है। अब बताएं ये शर्ट कितने की है? ये 1800। अच्छा, और ये सारा हाथ का काम है? जी जी, हाथ का। अच्छा, इसमें और कलर्स हैं? स्वात अभी इस्लामाबाद की तरह अमन का डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर जो है ना तकरीबन 4-5 जो सुबह लोग उठते थे ना, तो उस वक्त जो है लोग सभा होते थे कलाम रोड का, और ये जो चकदरा से मिंगौर तक रोड है इसका इंशाल्लाह इफ्तिताह करेगा। ग्रासी ग्राउंड में यहाँ मैं मौजूद हूँ। ये यहाँ का सवात का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है बेसिकली, यहाँ पे मैचेस होते हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात इस जगह की ये है कि यहाँ सूफी मोहम्मद जो थे तालिबान के लीडर, वो आके खिताब करते थे, यहाँ जिरगे लगते थे, यानी फैसले होते थे उनके। और फैसले भी आप लोगों का पता है कि किस नौयत के होते थे, लोगों के सर कटने के फैसले होते थे, फिर शहर में ले जाकर तमाम आबादी के सामने लोगों के सर काटे जाते थे। तो दहशतगर्दी का ये जो एलिमेंट था वो यहाँ मौजूद था, और ये इतना मशहूर ग्राउंड है कि यहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स ने आके खिताबात किए हैं। अभी जिस चौक पे मैं खड़ी हूँ ये कोई आम जगह नहीं है, ये दहशत और खौफ की अलामत था एक जमाने में। ये है ग्रीन चौक, और ये वो चौक है जो कि खूनी चौक के नाम से मशहूर है। खूनी चौक क्यों कहा जाता था? इसलिए कि दहशत गर्दों का यहाँ पे इतना होल्ड था कि लोगों की गर्दनें काट कर इस चौक पे लटका दिया जाता था। लेकिन आज मेहरबानी है हमारी फोर्सेज की कि उन लोगों ने इतनी जद्दोजहद की, इतनी मेहनत की, इतनी कुर्बानियाँ दी, इतने शहीद हुए लोग, इतनी कुर्बानियों के बाद आज तमाम आवाम आजाद है और बड़ी आजादी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही है। हमारे साथ मौजूद है जिला नाजिम मोहम्मद अली शाह साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, तो हम पूछते हैं कि सवाद के अमन के लिए इन लोगों ने क्या काम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये चौक जो था इधर कोई खड़ा नहीं हो सकता था, उस वक्त आप लोग कहाँ थे और आप लोग क्या कर रहे थे अमन के लिए? उस टाइम भी हम लोग लोकल बॉडीज नाजिमीन जो थे वो आर्मी की शाना बशाना थे, और वही जो आजमाइश और मुसीबत का वक्त था, तो उस टाइम भी सबसे अहम किरदार जो है लोकल बॉडीज ने अदा किया था। और अभी तो अल्लाह का रहम करम है कि यहाँ 100% अमन है, और बाकी अब हमने आगे की तरफ देखना है कि ताकि ये जो हमारे और मसाइल है ताकि हम इसकी तरफ। क्या मसाइल है सवाद के? इन्होंने आपको क्यों नॉमिनेट किया? पीटीआई की हुकूमत है केपीके में, आपको मुस्लिम लीग नून कहाँ से बीच में आ गए? ये लोग तो पीटीआई के सपोर्टर हैं। जो लोकल बॉडीज की हुकूमत आई है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, तो वो मुस्लिम लीग नून और दूसरी इत्तेहादियों के हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पूरी स्वात की हुकूमत है, किसी एक पार्टी की नहीं है। अच्छा, मैं अगर आवाम से बात करूँ, इनसे पूछूँ पिछले हालात और अभी, तो ये बता पाएंगे ये खौफ ज्यादा है अभी तक? पिछले हालात और आज के हालात में जमीन और आसमान का फर्क है, कोई खौफ किसी को नहीं है। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं 2009 का जब दौर था, दहशत गर्दी होती थी, तो इस चौक पे क्या क्या होता था? इस चौक पे तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी पोजीशन ये है कि इस वक्त अमन व अमान है, यहाँ पे बड़ा सुकून है। स्वात अभी इस्लामाबाद की तरह अमन। अच्छा। का अमन का डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे कोई टारगेट किलिंग, दहशत गर्दी अब नहीं होती? अब नहीं है। स्कूलों पे धमाके अब नहीं होते? अब नहीं है। आप कुछ नहीं, पहले इस चौक पे क्या होता था? पहले हालात जो यहाँ पर जो है ना तकरीबन 4-5 जो सुबह लोग उठते थे ना, तो उस वक्त जो है लोग सभा होते थे। अच्छा, सुबह के सुबह किन लोगों को सभा किया जाता था? यहाँ जो कसूरवार थे या नहीं थे, तो उनके फैसले कौन करता था? फैसले उसकी जो सरबरा थे वो करता था, उसकी अपनी हुकूमत थी, अपनी था। कालाम जाने के लिए रोड टूटी फूटी है जो कि सैलाब की वजह से टूट गई थी, तो आप लोगों ने एप्लीकेशन बना के दी है कि टूरिस्ट का ये अट्रैक्शन है, तो ये बननी चाहिए रोड? ये एप्लीकेशन नहीं, बल्कि ऑलरेडी हमने एक्सटेंड लिया है इस पे,
جب سے ضلع حکومت آئے لوکل لوگ آئے تو لوکل مسائل سے وہی باخبر ہے. اس میں ہم نے دو میٹنگ بھی کر دی ہے اور اگلے مہینے انشاءاللہ ہمارا یہاں پہ ہمارا اپنا لیڈر ہے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر انجینئر امیر مقام صاحب, اگلے مہینے وہ کالام روڈ کا اور یہ جو چک درہ سے منگورہ تک روڈ ہے اس کا انشاءاللہ افتتاح کرے گا. چلیں ٹھیک ہے, تو آپ ٹورسٹ کو کیا میسج دیں گے کہ وہ تو ڈرتے ہیں یہاں پہ آنے کے لیے؟ ٹورسٹ کو تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ سوات الحمدللہ اسلام آباد سے بھی زیادہ محفوظ ہے. کچھ اسکول جو ٹوٹے ہیں ان کی مرمت کون کرے گا؟ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ بہت سارے اسکول بنائے گئے ہیں اور جو ابھی زلزلہ میں ڈیمیج ہوئے ہیں ان کے لیے آلریڈی ہم نے سی این ڈبلیو کو ہدایت کر دی ہے, وہ اسسمنٹ کر رہا ہے اور انشاءاللہ ہم پرزور زور لگائیں گے تاکہ جلد از جلد کسی بچے کا تعلیمی ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ ہو. وہ اس طرح سے برمے لگے ہوئے ہیں, اس کے ذریعے ہوتا ہے, کسی پرائیویٹ انجینئرنگ فرم نے یہ یہاں پہ نصب کرائے ہیں اور اسی سے یہ لوگ پانی پیتے ہیں اور یہ ڈائریکٹلی چشمے کا میٹھا پانی ہے, صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. سوات کے ایک پرائیویٹ اسکول میں میں موجود ہوں جو پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے صدر تھے اور جن کا اپنا ایک پرائیویٹ اسکول بھی ہے, ان سے ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے, تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو لیں گے کہ آج کل حالات کیا ہیں سوات کے اور ایجوکیشن کا معیار کیا ہے, باقی فردر ڈیٹیلس ان سے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں آ کے, بہت پیسفل ماحول ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا, تو کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی کافی زیادہ پیسفل ماحول ہے یہاں پر, سارے ایکٹیویٹی جاری ہے, اسکولنگ اور دوسرے جو کاروبار ہے وہ ٹھیک طریقے سے اسموتھ طریقے سے چل رہی ہے. اچھا اچھا اچھا, تو یہاں کی جو آبادی ہے میجورٹی لوگ ہیں, کیا وہ پریفر کرتے ہیں کوئی ایجوکیشن میں پڑھانے کے لیے اپنے بچوں کو؟ نہیں, اتنی زیادہ سہولتیں تو نہیں ہے کہ کالج سطح پر یا یونیورسٹی سطح پر ہم الگ الگ لڑکیوں کے لیے الگ اور لڑکوں کے لیے الگ, لیکن زیادہ تر پرائمری لیول پر کوئی ایجوکیشن ہے اور بعض مڈل یا ہائی اسکولز میں بھی کوئی ایجوکیشن ہے, لیکن یہاں کے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ان کے لیے الگ, لڑکیوں کے لیے الگ, کیونکہ یہاں کا کلچر وہ ہے. ہاں, یہ کلچر یہ ہے, زیادہ تر زور زبردستی نہیں ہے. نہیں نہیں, زور زبردستی نہیں ہے. مجھے بتاؤ, پڑھنے کا شوق ہے؟ ہاں, بہت بہت زیادہ. کیا بنو گے بڑے ہو گئے؟ انجینئر. اچھا, مجھے یہ بتاؤ, جب حالات خراب تھے اسکول آتے تھے؟ ہاں آتے تھے. ہاں, یہ آپ کی بہن بھی ہوں گی نا؟ ہاں, میری بہن ہے. وہ جاتی ہیں اسکول؟ اسکول نہیں جاتے, لیکن مدرسہ میں. مدرسے میں جاتے. اگر کوئی میسج دینا ہو سب کو, ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے نا, تو آپ کیا بولو گے؟ میسج دوں گا سب ساری دنیا کو کہ وہ شوق سے پڑھے اور محنت کرے. تھینک یو, بیٹھ جاؤ. یہ دیکھیں, یہ کتنا بہادر بچہ ہے. ہر بچے کو پتہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے لڑنا ہے, حالات سے کیسے لڑنا ہے اور کس طریقے سے اپنا دفاع کرنا ہے اور اپنا کریئر بنانا ہے. ڈر تو نہیں لگتا یہاں پڑھنے میں؟ نہیں. مزہ آتا ہے یا بس دل چاہتا ہے کھیلتے رہو؟ یس, مزہ آتا ہے. ابھی کیا پڑھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سبق. کون سا سبق پڑھ رہے ہیں؟ اردو. اردو. آپ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. اچھا, ابھی آپ کو کون سا سبجیکٹ سب سے اچھا لگتا ہے؟ انگلش. ارے واہ, ویری گڈ. یہاں یہ اسکول نہیں ہے بلکہ یہ ایک ڈگری کالج ہے جہاں سے ڈگری لے کے نکلتی ہیں لڑکیاں اور فردر ہمارے یہاں ڈفرینٹ فیلڈز میں دوسرے شہروں میں جا کے ملک کا نام روشن کرتی ہیں. کیا بننا ہے آپ کو آگے جا کے؟ ہم آگے جا کے تو کچھ پلانس بہت ہیں ہمارے, بہت سوچا ہے آگے کے لیے, لیکن اب جو قسمت میں ہوگا وہی کریں گے. اچھا, تو جب طالبان تھے ان کا یہاں پہ کافی ہولڈ تھا, تب آپ لوگوں کی کنڈیشن کیا تھی؟ کیا آپ لوگ آرام سے باہر نکل سکتے تھے؟ ہم گھروں سے باہر نہیں نکل پائے تھے کیونکہ ہم جب نکلتے تھے تو ہم برقعے وغیرہ پہنتے تھے. ٹوپی والا برقع جو ہوتا ہے؟ نہیں, وہ نہیں, بس فیشنیبل بھی پہنتے تھے, لیکن ڈر ڈر کے نکلتے تھے. اور کچھ دنوں تو اسکولس بھی بند ہو گئے تھے, لیکن ہم سکون سے نہیں نکل پائے کیونکہ وہ دھمکی وغیرہ دیتے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, تو وہ بہت کٹھن تھا. اچھا, اب کیسے حالات؟ اب تو شکر الحمدللہ بہت اچھے ہیں, بس ایزیلی بندہ باہر نکل سکتا ہے. بالکل, پہلے تو بالکل برقعوں میں, یہاں پر ہم لوگ چادروں میں نکلتے ہیں. بالکل ماحول بالکل بہت اچھا. اچھا, گھر والے اچھا سمجھتے ہیں کہ ہاں لڑکیوں کو ایجوکیشن ملنی چاہیے؟
जी हमारे घर वाले समझते हैं, हमें यहाँ बेचते हैं और हम पढ़ेंगे भी यहाँ। आपका क्या प्लान है आगे बनने का? हुकूमत से ये मुतालबा है कि वो हमारे लिए ये कॉलेज जल्द जल्द ठीक करे। हमारे पास 2 महीने है। अच्छा। हमें पढ़ाई पर बहुत मुतासर हो रही है। सवाद के लोग अपनी बच्चियों का पढ़ाते नहीं है। हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है। आप क्या पढ़ रही हैं? मैम मुझे तो आगे जूलॉजी पढ़ने का शौक है। अच्छा। और बीएस में मैं करना चाहती थी, वहाँ मेरा मेरे क्लास में नेम भी आया था। कितना अर्सा नहीं पढ़ा आप लोग? मैंने 2 साल नहीं पढ़ा। 2 साल नहीं पढ़ा? yes, तब आप लोग घरों में बैठे रहते थे? यस मैम। तो मुझे बताएं अभी आप जो पढ़ रही हैं वो उससे क्या जॉब वगैरह करेंगी या सिर्फ पढ़ना है? जी हाँ मुझे बहुत शौक है इस्लामियात का, मैं तो करना चाहती हूँ, अगर घर से परमिशन हो तो जरूर करूँगी। कभी ऐसी चीज नहीं रिपोर्ट होती कि सवात के लोग टूरिस्ट को हरास करें या उनको कोई किसी भी हवाले से इवन उनको चीट करें। यहाँ पे जो सूरत हाल है वो तो 100% अंडर कंट्रोल है और अब से नहीं काफ़ी अरसे से अब ये अंडर कंट्रोल है। डीआईजी आज़ाद खान ने दौरान गुफ्तगू हमको आगाही फराहम की कि दहशत गर्दी के दिनों में पुलिस फोर्स ने किन किन दुश्वारियों का मुकाबला करके दहशत गर्दों का कला कमा किया और अब वो हालात कैसा पा रहे हैं इन्हीं की जुबानी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका एरिया कितने एरियाज पे मुहित है? लाइक छोटे छोटे एरियाज है ना यहाँ पूरे मैंगोरा सवात में, सैदू है और डिफरेंट जगह है। मालागंज डिवीजन को देख रहा हूँ तो मेरे पास 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। सवात डिस्ट्रिक्ट है, शांगला डिस्ट्रिक्ट है, बुनेर डिस्ट्रिक्ट है, अपर और लोअर दी डिस्ट्रिक्ट है, चित्राल है। अच्छा, ये तो बहुत ख़तरनाक और बहुत बड़ा एरिया है आपके पास, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास। अच्छा, अब के अगर हालात को हम कंपेयर करें आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले के या 2009 के हालात से, तो कितनी बेहतरी आई है? अगर हम मिलिटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सवात वाज द वर्स्ट अफेक्टेड। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुआ वो सवात को हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पीस के हवाले से और उस हवाले से तो सवात अभी बहुत बेहतर है। सवात का अगर पर्टिकुलरली हम बात करें तो यहाँ किस किस्म का क्राइम होता है? शुरू से स्टेट के टाइम से यानी अब भी मेरे पूरे डिवीजन में मैं कहूँगा कि सवात काफ़ी पीसफुल है। चित्राल भी बहुत पीसफुल है, चित्राल खास तौर पे, और सवात भी बहुत पीसफुल है। लोग बाय नेचर क्राइम की तरफ। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कि टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं और उनसे लूट मार शुरू हो गई हो? लोग इस हवाले से बहुत सेंसिटाइज हैं, उनको पता है कि उनकी लाइवलीहुड है जो है वो टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। कभी ऐसी चीज़ नहीं रिपोर्ट होती कि सवात के लोग टूरिस्ट को हरास करें या उनको कोई किसी भी हवाले से इवन उनको चीट करें या उनको एक्सटॉर्ट करें। अच्छा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि देखें ये बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बल्कि एक वेलकमिंग किस्म का एटीट्यूड है लोग शुरू से, क्योंकि ये उन लोगों के लिए तो बिजनेस है, लाइवलीहुड है। और दूसरा देखें लोग भी दे फील एट ईज जब वो यहाँ आते हैं, तो उनको अगर कहीं किसी की गाड़ी ख़राब हुई है और वो रास्ते में खड़ा हुआ है तो उसको ये खतरा नहीं होगा कि जी अभी मुझे आबादी आके मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। वो यही एक्सपेक्ट कर सकता है कि जी लोग आके उसकी हेल्प, वो खड़ा होकर किसी से पानी भी मांग सकता है, बल्कि खुद ही होगा कि पीपल बी फोर्थ कमिंग, वो खुद उसके पास आएंगे और उसको हेल्प करेंगे। यहाँ पे वारदातें फिर होती किस नौयत की? देखिए यहाँ पे जो अगर मिलिटेंसी के हवाले से हम बात करें तो जो टेररिज्म की रेमिनेंट्स हैं वो उसमें कुछ टारगेट किलिंग यहाँ पे होती है जो कि काफ़ी हद तक कम हो गई है। हाँ जी बिल्कुल होती है जी, इसलिए होती है कि देखें उसकी एक रीज़न ये है कि वो लोग कि जिन्होंने उस टाइम पे सिक्योरिटी फोर्सेस की और गवर्नमेंट की मदद की है इन मिलिटेंट्स के अगेंस्ट, तो वो अब उनका टारगेट है, वो उनको पर्सनली फिर टारगेट करते हैं। यहाँ की पुलिस को टारगेट किया गया? बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया जी, सबसे ज़्यादा तो सवात की पुलिस और टारगेट हुई है, और मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ उस दौर में जो मालागंज पुलिस के 200+ जो हैं वो लोग शहीद हुए हैं, और सवात के तकरीबन नियर अबाउट 100 लोग जो हैं वो सिर्फ सवात के जो हैं वो उसमें पुलिस और के जो है टारगेट हुए हैं। पहले तो ये था कि उन एरियाज में उनका कंट्रोल था, वो अब ये है कि देखें वो छुप के किसी किसी को टारगेट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल में भी तो टारगेट किलर तो कोई पकड़ा नहीं गया? नहीं, बहुत सारे पकड़े गए हैं जी, बहुत सारे पकड़े गए हैं, और पुराने मिलिटेंट भी पकड़े गए हैं। अच्छा। और बिल्कुल ऐसे है, लेकिन ये है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो प्रॉब्लम बिल्कुल एलिमिनेट हो गया। उसकी वजह ये है कि देखें चूँकि जो पुलिस के सपोर्टर्स हैं या सिक्योरिटी फोर्स के सपोर्टर हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं, और इसी तरह पुलिस के जो लोग हैं वो भी हज़ारों की तादाद में हैं,
तो किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जब आप इतनी स्प्रेड, और जब हम देखें हमारे लोग हर चौक पे, हर पोस्ट पे, हर जगह मौजूद होते हैं। अच्छा, अब चूंकि एस्टेब्लिश हो रही हैं चीज़ें, लोग कारोबारी अफराद अपने कारोबार चला रहे हैं, तो अब क्या उनको भी एक्सटॉर्शन के लिए इस तरह धमकी आती है? देखिए, इसी तरह होता है कि वो कॉल तो उन्हीं को आ रही होती हैं, लेकिन हम हर एक केस को हम एड्रेस करते हैं, उसको हमें अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी हुई तो वो हम करते हैं। अच्छा। और मैं ये कहूँगा कि जो सिचुएशन है वो ऐसे नहीं है कि जी हमारे वो आउट ऑफ कंट्रोल है। इतनी खूबसूरत जगह है, हम चाहें तो रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती गवर्नमेंट की तरफ से। असल चीज तो ये है कि आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें तो इन्वेस्टमेंट पर खुद आती है। मतलब अगर आप अभी, हम जब लोगों से हम बात करते हैं, टूरिस्ट से बात करते हैं, तो हमें यही नजर आ रहा होता है कि यार अगर आपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो गया तो फिर बाकी सारी चीजें खुद आती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। थैंक यू। आई एस पी आर से कर्नल फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम थोड़ी सी तफसीलात लेते हैं कि आर्मी का क्या रोल रहा है और दहशतगर्दी के हवाले से, चूँकि सवाब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है गुज़श्त कई सालों से, लेकिन अब सूरत हाल बेहतर है, तो उसकी क्या वजूहत हैं और अब कितनी कार्रवाइयाँ चल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या काबू पा लिया गया है दहशतगर्दी पे, इतने ऑपरेशन हुए आर्मी की जानिब से? यहाँ पे जो सूरत हाल है वो तो 100% अंडर कंट्रोल है, और अब से नहीं, काफ़ी अरसे से अब ये अंडर कंट्रोल है। जो इसका वो स्पेल था जो दहशतगर्दी का, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी उनकी हुई, यहाँ पे और भी काफ़ी प्रॉब्लम रहे, तो अब उस लिहाज से बिल्कुल परफेक्टली सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। यहाँ पे आप देखें कि अब तो रिहेबिलिटेशन का भी वो अमल हुआ हुआ बहुत पुरानी बात हो चुकी है यहाँ पे। अच्छा, अभी भी IDPs का चक्कर है कि वो दोबारा से अपनी जगहों पे आए हैं तो उनके लिए रिहेबिलिटेट करने के लिए आप लोगों ने फैसिलिटीज दी? नहीं नहीं, अब तो रिहेबिलिटेशन वो वाला तो बड़ी पुरानी बात हो चुकी है, अब तो इस तरह का कोई इधर इशू नहीं है। जहाँ तक अमन के हवाले से बात है, यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी और दूसरे हमारे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सब मिलजुल करके यहाँ पे उन्होंने अमन बहाल किया, और अभी उसी अमन की बहाली का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हमने सुना है कि अभी भी कुछ टारगेट किलिंग का है। अगर आप कंपैरिजन करें तो बहुत मेरे ख्याल में, यानी कि नॉर्मल सी बात है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। ये तो पाकिस्तान में दूसरे हिस्सों में भी इस तरह की कदुका वाक़ियात होते रहते हैं, तो यहाँ पे कारोबार। अच्छा, हसास इलाके कौन से हैं यहाँ पे? यहाँ पे हसास इलाके अगर आप देखें तो यहाँ पे तकरीबन आप देखें कि डे एंड नाइट में ट्रैवलिंग आप करें हर जगह पे, अब आपको सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल लगेगी। मेहमद एजेंसी जैसे नहीं, ये सवाद जो है ना उसके नहीं, सवाद से आगे अगर हम वो फिर यानी कि मुझे उसकी इस तरह से मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा। जहाँ तक मलाकंड डिवीजन है जिसमें यानी कि आप अभी सवाद में बैठे हुए, मिंगोरा ये शहर है, यहाँ कलाम भी इसी में आता है, और अभी हमने कलाम फेस्टिवल किया बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और हर साल हो रहा है ये, और बेहतरीन तरीके से लोग पाकिस्तान भर से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा एक सिंबल है कि यहाँ पे अमन की जो एफर्ट्स थी वो बिल्कुल अभी कामयाब रही हैं और अभी तक कामयाब है। 2009 के अगर हम हालात की बात करें तब यहाँ पे क्या सिनेरियो था, कितना मुश्किल था यहाँ पे काम करना? देखिए, जब दहशतगर्दी होती है नेचुरली यहाँ पे लोगों के लिए लाइफ गुजारना काफ़ी मुश्किल था। दिस वाज द मोस्ट अफेक्टेड एरिया ऑफ दिस रीजन, यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम रही, यहाँ पे खुदकुश हमले भी होते रहे, यहाँ पे दूसरे प्रॉब्लम भी थे, लेकिन यह है कि फिर जब आर्मी ने इधर ऑपरेशन किया लोगों की भरपूर सपोर्ट रही और उन्होंने हर तरह से तावन किया। जब आर्मी का तो ऑपरेशन, इट वॉज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशन, इट इज़ ए सक्सेस स्टोरी। अभी यहाँ पे सिर्फ अमन की बहाली को, अमल को जारी रखने के लिए आर्मी की मौजूदगी चूँकि ज़रूरी है यहाँ पे, ये बस वजह है। बाकी यहाँ पे कहीं भी कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होस्ट टूरिस्ट इंडस्ट्री फ्लश कर रही है, होटल्स यहाँ पे आपको जब सीजन आता है फुल मिलते हैं। हम किसी झिझक के बगैर इस बात को तस्लीम करते हैं कि खत्ते में अमन व अमान कायम करने में फौज, पुलिस और मीडिया के अहलकारों ने जो किरदार अदा किया है वो किसी से छुपी हुई बात नहीं। उन लोगों की काविशों को मुस्तहकम करने के लिए इस इलाके के लोगों पर भी लाजिम है कि वो दहशतगर्दों की दोबारा दखलंदाजी को रद्द करने में अपना किरदार अदा करें, अपनी आंखें खुली रखें और मशकूक लोगों की इत्तला फौरी तौर पर मुतालिका हुक्काम तक पहुंचाएं।